Hello, kids, welcome to my channel. Today I am going to discuss the topic Sense of Smell of the chapter. Feeling around with eyes shut. Okay. And the topic sense of touch, this topic I have discussed in my previous video. And if you want to see that video, you can go through that. And today I am going to discuss the topic sense of smell. Alright. So let's begin. Just as the sense of touch helps in identifying objects. आर नोज ऑल्सो हेल्प अस टू आइडेंटिफाई गुड एंड बैड स्मेल्स अब इसमें क्या कह रहा है जिस तरीके से सेंस ऑफ टच से हम समझ सकते हैं हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को सिमिलरली सेंस ऑफ स्मेल से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं चीज़ों को कि बैड स्मेल है कि उस किसकी गुड स्मेल है ठीक है we get a pleasant smell when we walk past a rose or a jasmine plant with flowers on it Abe agar hum kisi जगह हम जैसे जा रहे हैं और कहीं से हमें कहीं से रोज़ या जैस्मिन की स्मेल आ रही है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ कहीं पे रोज़ का प्लांट है यहाँ कहीं पे जैस्मिन का प्लांट है तो हमें कैसे समझ में आएगा स्मेल से समझ में आएगा क्योंकि हमें पता है रोज़ की स्मेल कैसी होती है जैस्मिन की स्मेल कैसे होती है तो विदाउट सीइंग द रोज प्लांट एज वेल एज द जैस्मिन प्लांट हम स्मेल से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्लांट है हमारे आसपास। पास हाउ एवर वेन वी वॉक पास्ट अ सीवर और अ गारेज वी गेट अ बैड स्मेल ओके और अब क्या है अब कहीं से जा रहे हैं और हमें बहुत गंदी स्मेल आ रही है कहीं से तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या है कचरे की स्मेल आ रही है या यहाँ पे कहीं पे जो है सीवर का लिड जो है वो खुली हुई है इज इट

तो वो जो टैनी पार्टिकल है जो स्मेल की जो टैनी पार्टिकल है वो हमारे नोस्ट्रिल के अंदर जाता है आफ्टर एंट्रिंग आर नोस्ट्रिल्स द एयर मूव्स अप इन टू अर स्पेस एट टॉप ऑफ द नोज अब जब नोस्ट्रिल के अंदर वो केमिकल हमारे अंदर गया वो टैनी पार्टिकल की जो स्मेल हमारे अंदर गई तो वो कहाँ जा रही है वो अंदर जाकर के नोज के टॉप में चली जाती है दिस स्पेस इज़ कवर्ड with स्पेशल smelling सेल्स अब क्या होता है नोज के टॉप में हमारा क्या है स्पेशल स्मेलिंग सेल्स पाया जाता है ठीक है तो वहाँ पे ये जो है पार्ट, जो टैनी पार्टिकल्स हैं स्मेल के वो हमारे उस स्पेशल स्मेलिंग स्मेलिंग सेल्स में चले जाता है द ओडर स्टिक्स टू दी सेल्स एंड सेंड मैसेज थ्रू नर्व सेल्स टू द ब्रेन अब वो जो हमने हमारे जो टैनी पार्टिकल्स है स्मेल का वो इसी स्पेशल स्मेलिंग सेल्स में जाके वो स्टिक हो जाता है और जैसे ही वो स्टिक होता है तो वहाँ पी की जो नर्व्स है ना वो मैसेज को वो स्मेल के मैसेज को लेके ब्रेन तक पहुँचाती वो जो नर्व सेल्स हैं वो ब्रेन तक में स्मेल की मैसेज को पहुँचाती है द ब्रेन देन आइडेंटिफाइज द सोर्स ऑफ द स्मेल एंड टेल्स अस अबाउट इट अब फिर ब्रेन डिसाइड करता है फिर ब्रेन हमें बताता है कि वो जो स्मेल हमारे अंदर आई है वो गुड स्मेल है कि वो बैड स्मेल है या वो किस चीज़ की स्मैल है Each time we inhale, our nose tells us something about the particles floating in the air around us. और जब जब हम inhale करेंगे जब जब हम air को breathe करेंगे तो हमारे जो nose है वो हमें बताता रहेगा कि हमारे अंदर कौन कौन सी smell आ रही हैं Pleasant smell make us happy, such as the fragrance of a flower or our favorite food being cooked. जब प्लेजेंट स्मेल होती वो हमें क्या करती बहुत ही खुश करती हमें बहुत अच्छा फील होता है इट जब वो कोई अच्छी अच्छी खुशबू आती है हमारे मुंह से क्या निकलता वाओ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है वाओ ममा क्या बना रही हैं आज किचन में इट तो हमें बहुत अच्छा फील होता है सम स्मेल्स लाइक दैट ऑफ गार्लिक अनियन और फिश आर वेरी स्ट्रॉन्ग और कुछ स्म्मेल्स होती हैं जो कि बहुत ही स्ट्रोंग होती हैं गार्लिक अनियन फिश इनकी स्मेल जो होती हैं ना वो बहुत ही स्ट्रांग होती हैं तो सम पीपल लाइक दैम वाइल अदर्स फाइंड दम एंड किसी किसी लोगों को तो ये स्मेल अच्छी लगती है लेकिन किसी किसी लोगों को ये स्मेल अच्छी नहीं लगती है दे कवर देअर नोज वैन दे स्मेल सच थिंग्स तो वो क्या करते हैं या तो उस स्मेल जहाँ से आ रही होती है उससे दूर हो जाते हैं या वो अपने नोज़ को कवर कर लेते हैं द स्मेल ऑफ अ डिटेइ एनिमल लाइक अ डेड रैट द स्मेल ऑफ एन ओपन गटर ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रिएटा और स्टेल वाटर दैट इज क्लोज इन अजार आर वेरी फाउल अब किस किस की स्मेल इतनी हमें गंदी आती जैसे डेड रैट हो गया या कहीं पर गटर का लिड खुला हुआ है या एनिमल एक्सक्रिएटा है या पानी बहुत समय से किसी बंद जार में रखा हुआ है बहुत समय से और जब आपने उस जार का लिट खोला तो बहुत गंदी उसमें से स्मेल आ रही है तो इन ये सारी चीज़ों की स्मेल क्या होती है बहुत ही गंदी होती है इट्स अ वेरी फाउल स्मेल अबे सम पीपल आर एलर्जिक और सेंसिटिव टू सर्टेन स्मेल्स एंड हैंड्स कैन नॉट टॉलरेट दोज स्मेल्स अब कुछ पीपल होते हैं ना वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं स्मेल के रीजन में स्मेल के केस में या फिर उन स्मेल से उन्हें एलर्जी हो जाती है और वो बीमार भी पड़ जाते हैं या उनको वॉमिटिंग आने लगती है उस स्मेल से दे में गेट्स एक वो बीमार भी पड़ जाते हैं वी शुड अंडरस्टैंड एंड अवॉइड मेकिंग दैम अनकम्फर्टेबल तो अगर हमें पता है हमारे घर में कोई ऐसा इंसान है जिसको कि इन सब चीज़ों से किस स्मेल से एलर्जी है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उनके सामने हम उन चीज़ों को लेकर नहीं आए मोस्ट पीपल फाइंड द स्मेल ऑफ रूम फ्रेशनर परफ्यूम्स डिओड्रेंट्स एंड आफ्टर शेव लोशंस वेरी प्लेजेंट कुछ लोगों को क्या होता है जैसे रूम फ्रेशनर है परफ्यूम डिओड्रेंट इसकी स्मैल बहुत अच्छी लगती है ठीक है गुड स्मैल हैज़ द एबिलिटी टू कवर बैड स्मैल्स और साथ में क्या होता है जो गुड स्मेल होती है और कहीं से बैड स्मेल भी आ रही है और कहीं से गुड स्मेल भी आ रही है तो गुड स्मेल में एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कि वो बैड स्मेल को कवर कर देती है तो हमें क्या होता है बैड स्मेल नहीं आती है हमें गुड स्मेल आती है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वॉशरूम में हम लोग क्या करते हैं उसको आ, उसमें हम लोग आ, ये रूम फ्रेशनर उसमें हम लोग वो स्प्रे कर देते हैं या हम लोग ओडोनिन लगा देते हैं इट तो उससे क्या होती है वॉशरूम की जो गंदी स्मेल है वो हमें नहीं आती है हमें कौन सी स्मेल आती है जो हमने स्प्रे किया है बाथरूम में या हमने ओडोनिन लगाया हमें उसकी स्मेल आती है दैट मीन्स वो जो गुड स्मेल है वो वॉशरूम की बैड स्मेल को उसने कवर कर दिया है ऑलराइट राइट ना नेक्स्ट टॉपिक पीपल विथ डिसबिलिटीज़ अब हम उन पीपल के बारे में पढ़ेंगे डिसएबिलिटीज़ क्या होता है हम उनके बारे में पढ़ेंगे वॉट अब ये डिसएबिलिटीज़ क्या होता है मतलब जो पीपल हमारी तरह नॉर्मल नहीं होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिसेबल्ड पीपल ठीक है वी हैव जस्ट learned दैट स्मेल एंड टच आर वेरी यूजफुल सेंसेस तो अभी तक हम लोग ने क्या जाना है कि स्मेल ऑफ टच एंड स्मेल ऑफ ये सेंस ऑफ टच एंड सेंस ऑफ स्मेल ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इजेंट इट और इनके बारे में हमने अभी तक पढ़ा हुआ है आर अदर थ्री सेंसेस अनेबल अज टू सी हेयर एंड टेस्ट और अदर क्या सेंस हमारे बचते हैं सी देखना सुनना और टेस्ट करना वी शुड नाट फॉरगेट दैट सम पीपल हु कै नाट सी और हेयर मेंव प्रॉब्लम नोइंग देर सराउंडिंग्स मे हैव प्रॉब्लम्स नोइंग नोइंगयर सराउंडिंग्स तो अब क्या होता हम जिन लोग जो लोग ठीक से देख नहीं पाते हैं जो लोग ठीक से सुन नहीं पाते तो उन्हें क्या होती है कुछ प्रॉब्लम्स होने होती हैं हाउ एवर इट इज़ ऑफे सीन दैट देयर सेंसेस ऑफ स्मेल एंड टच आर वेरी वेल डेवलप्ड एंड देर डिपेंड मोर ऑन द अदर सेंसेज अब क्या होता है जो ऐसे लोग होते हैं जो ठीक से देख नहीं पाते सुन नहीं पाते तो इनके साथ होता क्या है कि इनके जो सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टच है ये बहुत अच्छा डेवलप्ड होता है बहुत ही वेरी वेल डेवलप्ड इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पीपल हम लोग के जो सेंसेस हैं उनसे ज़्यादा अच्छा इनके सेंसेस डेवलप होते हैं जिनकी हेल्प से वो अपना काम कर सकते हैं वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं क्योंकि उनमें उनके जो तो सेंसेस होते हैं वो वेल well डेवलप्ड होते हैं तो उन्हीं के थ्रू वो अपना वर्क परफॉर्म करते हैं और उन्हें किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है पीपल हुआ आर ब्लाइंड कैनॉट सी आर विजुअली इम्पेयर्ड अब विजुअली इम्पेयर्ड कौन होते हैं जो पीपल ब्लाइंड होते हैं या तो वो पूरी तरह से उन्हें दिखाई नहीं देता है या थोड़ा थोड़ा ही दिखाई देता है ऐसे लोगों को हम बोलते हैं विजुअली इम्पेयर्ड दे यूज़ देअर सेंस ऑफ टच टू रीड एंड राइट अब ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने सेंस ऑफ टच को यूज़ करते हैं लिखने के लिए और पढ़ने के लिए They use a special system known as Braille. अब वो लिखने और पढ़ने के लिए क्या यूज़ करते हैं एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसको कि हम Braille बोलते हैं We लर्न in class थ्री that Braille is a code developed by Louis Braille in 1824. अब Braille क्या होता है ये एक तरीके का कोड होता है जिसको कि किन्होंने डेवलप किया था लुइस ब्रेल ने डेवलप किया था 1824 में ठीक है इट इज सिस्टम इन विच रेज डॉट्स रिप्रेजेंट लेटर्स ऑफ द एल्फाबेट एंड नंबर्स अब ब्रेल क्या होता है वो रेज्ड डॉट्स होती हैं रेज डॉट्स मीन्स उभरी हुई डॉट ऑल right. तो वो होती a है हम जैसे ए है ए के लिए वन डॉट B के लिए टू डॉट C के लिए देखिए हॉरिजॉन्टल डॉट दे रखा है D के लिए थ्री डॉट इस तरीके से दे रखा है तो जब वो इस डॉट्स को जब वो ऐसे करके टच करते हैं ना तो उन्हें पता चलता है क्योंकि डॉट्स वो रेज्ड उठी हुई होती है तो उसको जब वो टच करते हैं तो उससे पता चलता है तो उससे वो लेटर्स को जोड़ जोड़ के वर्ड बना के पढ़ते हैं तो उनको उससे हेल्प मिलती है पढ़ने में और वैसे ही नंबर्स भी होते हैं नीचे नंबर्स दे रखे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर्स भी दे रखा है जीरो के लिए थ्री डॉट्स हैं वन के लिए साइड में डॉट है टू के लिए साइड में डॉट है इस तरीके से होता है तो उनको पढ़ने में आसानी होती है वो टच करके पढ़ते हैं तो इसमें उनका सेंस ऑफ टच काम आता है सो सेंस ऑफ टच वेरी वेल डेवलप्ड होता है जो लोग ब्लाइंड होते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स हैव बीन टेकन टू हेल्प पीपल विद डिसबलिटीज़ तो गवर्नमेंट ने बहुत बहुत सारे ऐसे स्टेप्स बना रखे हैं रेस किए हुए हैं स्टेप जिससे कि जो डिसबल पीपल हैं उनको प्रॉब्लम ना होने पाए मोस्ट आइटम्स ऑफ डेली यूज हैव बीन स्पेशली डिज़ाइन फॉर देमा कुछ ऐसे उनके डेली यूज़ के आइटम्स होते हैं जो उन्हीं के अकॉर्डिंग डिज़ाइन हो रखा है जिससे कि वो समझ सके कि कौन सी चीज़ क्या है टच करके नॉ दे आर लेस डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर हेल्प दे आर स्पेशली इम्बोज जोमेट्रिकल शेप सिम्बल्स ऑन द इंडियन करेंसी विच एनेबल द विजअली इम्पेयर टू नो द वैल्यू ऑफ ईच नोट अब क्या होता है जिस वजह गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे स्टेप्स ले रख उठा रखे हैं ऐसे लोगों के लिए जो कि इम्पियोर्ड हैं डिसबल्ड ये पीपल हैं ताकि उनको दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़े और क्या है और क्या होता है अब जैसे करेंसी के कॉइन्स होते हैं ये सब क्या होता है इंडियन जो करेंसी है उसको आप अगर देखेंगे तो उसमें जो नंबर्स ये लिखे हुए हैं तो वो रेज्ड होते हैं ठीक है तो उसको टच करके भी वो पता लगा सकते हैं ये कौन सा कॉइन है ये वन रुपी का है कि टू रुपीस का है कि फाइव रुपीस का है कि ये कौन सा नोट है तो उसको टच करके वो पता लगा सकते हैं तो सिमिलरली सिमिलरली दूरदर्शन हैज डेली न्यूज रीडिंग इन साइन लैंग्वेज फॉर दोज विथ इम्पेयर हियरिंग तो अब क्या है कि अब दूरदर्शन एक चैनल है जो कि उसमें डेली न्यूज़ रीडिंग आती है साइन लैंग्वेज में साइन लैंग्वेज क्या होता है अगर आप लोग ने टीवी में देखा होगा तो इस तरीके से एक्शंस में बातें करते हैं ठीक है एक्शंस में बातें करते हैं तो इससे जो है जो लोग देख सकते हैं तो वो एक्शन से देख सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते सुन नहीं सकते तो वो इस एक्शन से वो पता लगा सकते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है राइट right, तो उनको न्यूज़ अगर वो डेली देखते हैं तो वो ऐसो के लिए न्यूज़ एक दूरदर्शन में एक न्यूज़ चैनल भी है जिसमें कि उनके लिए न्यूज़ आती है अगर वो न्यूज सुनना चाहें तो उस चैनल दूरदर्शन में वो वो न्यूज़ को देख सकते हैं तो वो साइन लैंग्वेज के थ्रू वो जान सकते हैं कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है ठीक है दस वी सी दैट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स आर बी मेड टू हेल्प पीपल विद डिसबलिटीज़ तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत ही एफर्ट कर रही है ऐसे लोगों के लिए कि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होने पाए और ऐसे लोग भी जो हैं जो डिसेबल्ड पीपल हैं वो भी नॉर्मल लोगों की तरह जी सकें ऑल राइट स्टूडेंट सो दैट्स ऑल फॉर टूडे तो इस तरह से आज ये हमारा जो चैप्टर है फीलिंग अराउंड विद आईज शर्ट ये कम्प्लीट हो जाता है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल